वेवी है, तो देखिए मैंने इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया है, और उसके बाद ये फिर इस तरीके से चले जाएगी, और इधर से ये इधर से शेड करते हुए इधर लेके आएंगे हम लोग। आपको याद रखना है ये ड्राई ऑन ड्राई टेक्निक है, वेट ऑन वेट नहीं है, लूज कलर्स भी नहीं है। ड्राई हो चुका है पहले वाला कलर और हम उसके ऊपर भी ड्राई कलर ही ले रहे हैं, यानी कि बहुत थोड़ा सा पानी मिक्स करके ड्राई कलर लेके हम लोग स्मूथली इस तरीके से कलर को नीचे से ऊपर की तरफ यानी कि लिफ्ट करते हुए ऊपर ले जाएंगे, जिससे इसके यहाँ पे बेंड नजर आ जाए। ये देखिए थर्ड कोट भी कंप्लीट हो चुका है, इसे ड्राई होने देंगे, तब तक इसको करते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टार्ट कर दिया है हम लोगों ने, और इसमें थोड़ा सा पर्पल का टच ज़्यादा देंगे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कलर्स को शेड करते हुए ले जाएंगे। याद रखिएगा ड्राई ऑन ड्राई टेक्निक है, बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोग भूल ना जाए। धीरे धीरे कलर को लिफ्ट करते हुए ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर इसको मर्ज कर देंगे, और ये बिल्कुल ट्यूलिप के जैसा ही है, ध्यान रखिएगा। और थोड़ा सा डिफरेंट कई कई जगह शेप्स है इसके, वो अलग बात है, तो इसको ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर मिक्स करते जाएंगे। एक जैसा हर जगह नहीं भर देंगे, थोड़ा गैप कर करके फिल करेंगे इसको, बिकॉज सारे कलर्स अच्छे से नजर आने चाहिए। देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है ये, थोड़ा सा ब्राउन और रेड कलर लिया है, और एक ड्रॉप इसमें पानी रख देंगे। जैसे ही आप पानी रखेंगे वो कलर फैलने लगेगा और अपना अच्छा सा इफेक्ट दे देगा। अब हम लीव्स स्टार्ट करेंगे, लीव्स वेट ऑन वेट होंगे, थोड़ा सा पानी इसमें ब्रश के साथ लगा देंगे और लूज कलर बना के एक एक कोट पहले फिल कर देंगे, उसके बाद हम उसके ऊपर शेडिंग करेंगे। आज हम इस पूरी पेंटिंग को शेडिंग के साथ ही ख़त्म करने वाले हैं। जैसे हम पहले लैंडस्केप्स वेट ऑन वेट टेक्निक के साथ टैप टैप करके
लुक भी देता है।